खबर यूपी लाइव, आपकी खबर तेज असर। आरटीओ विभाग में ड्राइविंग लाइसेंस के बहुत बड़े खेल का खुलासा हुआ है, जिसके बाद विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों की मिलीभगत से एक दो नहीं बल्कि 500 फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस बना दिए गए। सूत्रों के मुताबिक अधिकतर डीएल उनके बनाए गए हैं जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। फर्जी आधार कार्ड और प्रमाण पत्रों का सहारा लेकर ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लिए गए, जबकि नियम है कि डीएल उसी जिले के आरटीओ विभाग से जारी हो सकता है जहां का आवेदक निवासी हो। अन्य जिले का निवासी किसी दूसरे जिले के आरटीओ दफ्तर से ड्राइविंग लाइसेंस बनवा ही नहीं सकता। मगर नियम कानून को दरकिनार कर बस्ती संभागीय परिवहन विभाग में धड़ल्ले से कई फर्जी डीएल बन गए। सूत्रों के मुताबिक बाहरी प्रदेशों के बॉर्डर पर रहने वाले अधिकतर रोहांगियों के डीएल तैयार किए गए हैं, जिसकी फिलहाल अभी पुष्टि नहीं हुई है। मगर ये साफ हो गया है कि 500 में से 135 डीएल फेक हैं और 135 में से 115 ड्राइविंग लाइसेंस सिर्फ दूसरे प्रदेश में रहने वाले मुस्लिम समुदाय के लोगों के हैं। संभागीय परिवहन विभाग बस्ती में फर्जी लाइसेंस बने भी तो 10-20 की संख्या में नहीं बल्कि सैकड़ों की संख्या में बने हैं। ड्राइविंग लाइसेंस जिनके नाम पर बना है वे बस्ती के बाशिंदे नहीं बल्कि राजस्थान, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। गोपनीय शिकायत की जांच में फर्जीवाड़े की पुष्टि हुई, जिससे उच्च अधिकारी भी स्वीकार कर रहे हैं। अब आरआई को पूरे मामले की जांच सौंपी गई है। मार्च 2020 में कोरोना का कहर फैलने के साथ ही सरकारी दफ्तर पूरी तरह बंद कर दिए गए थे। हालांकि अंदर ही अंदर सारा काम हो रहा था। यह सिलसिला मई 2021 तक चलता रहा। सूत्रों के मुताबिक कर्मचारी की सहमति से उसकी विभागीय लॉगिन आईडी और पासवर्ड उसके सहायक और एक संविदा पर कार्यरत कर्मचारी प्रयोग कर रहे थे, ताकि कर्मचारी न रहे तो भी बेधड़क काम चलता रहे। बाहरी सहायक और संविदा कर्मी ने भी साहबों का विश्वास कायम रखते हुए उनकी सरपरस्ती में मोटी रकम ऐंठते हुए एक दो नहीं बल्कि करीब 500 फर्जी लाइसेंस बना डाले। अब जब मामला खुला है तो आपाधापी में अभी तक चिन्हित किए गए 135 लाइसेंस ब्लॉक कर दिए गए हैं। ताज्जुब की बात यह है कि सैकड़ों की संख्या में फर्जी लाइसेंस अधिकारियों की आईडी से महीनों से बनाए जा रहे थे और उनकी सफाई है कि उन्हें पता ही नहीं चला। इसमें विभागीय कर्मियों की मिलीभगत मानी जा रही है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर एआरटीओ अरुण चौबे से जब बात की गई, तो उनका कहना था कि प्रकरण संज्ञान में जैसे ही आया तो जांच शुरू करा दी गई है। अभी तक 135 डीएल फर्जी मिले हैं, जांच जारी है। जिनके लाइसेंस फर्जी हैं वे सभी बाहरी राज्यों के रहने वाले बताए जा रहे हैं। कहा कि पिछले 7 साल से ये सिलसिला चल रहा था मगर कभी किसी अधिकारी के पकड़ में कैसे नहीं आया, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। एआरटीओ ने दावा किया है कि इस मामले में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। मिली है जिसकी जांच की जा रही है, आरआई को जांच दी गई है और उसने जांच करके जिस जिस जगह का प्रकरण सामने आया है उस जगह पर उन लाइसेंसों को लॉक करने की सूचना दी गई है और उनको नोटिस भेजा जाएगा। कितने लाइसेंसों को लॉक किया? लगभग 135-135 को लॉक किया गया। ऐसा है कि एड्रेस नहीं है वहाँ पे? अब उनको ये आइडेंटिफाई करना, जब बिना जांच किए इसको आइडेंटिफाई करना मुश्किल है। जब तक नोटिस भेजी नहीं जाएगी, वहाँ से कोई सूचना प्राप्त नहीं होगी, तब तक इस तरीके की बात करना उचित नहीं है कि वहाँ पे आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा है। अभी तो जाँच चल रही है। किस स्टेट का है ये लाइसेंस जो जारी है? ये जनरली राजस्थान का समझ में आ रहा है, अभी जांच चल रही है, राजस्थान का समझ में आ रहा है। फाइनली तो जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। ना ऐसा कुछ नहीं। तो आपके लॉगिन आईडी से बंद नहीं, नहीं मेरे लॉगिन आईडी से नहीं होगा। डीएल बनवाने का नियम है कि ऑनलाइन आप आवेदन करेंगे और उसमें जो मेन डॉक्यूमेंट लगना है वो आईसीएल की मार्कशीट डेट ऑफ बर्थ के लिए और आधार कार्ड आपका एड्रेस प्रूफ के लिए, ये ऑनलाइन ही सबमिट किया जाएगा और उसमें ऑनलाइन ही फीस कटेगी। और फीस कटने के बाद एक स्लॉट डेट जनरेट होगा, स्लॉट डेट में ही आपको कार्यालय आना होगा और उसमें स्लॉट डेट में ही आपका बायोमेट्रिक होगा, टेस्ट की प्रक्रिया होगी और उसके बाद लाइसेंस जारी होगा।
ये नए लाइसेंस में ये प्रकरण नहीं सामने आया, ये पुराने लाइसेंस में प्रकरण सामने आया है प्रकाश में, नए लाइसेंस में नहीं। 2020-21 की बात नहीं है। क्या लगता है बाबू की मिली भगत? बाबू की मिली भगत तो नहीं हो सकती, कहीं ना कहीं लापरवाही जरूर हुई है जो कि जांच का विषय है। अधिकारी के लॉगिन से जनरेट नहीं हो सकता, ये चीज के लिए पुराने लाइसेंस के प्रकरण लगे हैं। और पुराने लाइसेंस जो 2010 के आसपास के हैं, 2014-15 के आसपास के हैं, उस समय के लाइसेंस के प्रकरण हैं। खासतौर से ये उस पीरियड के हैं। डेस्क रिपोर्ट, खबर यूपी लाइव।